नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूबर अनुश्री की लाइफ में ऑन माय चैनल स्टूडियो कला संगम। तो हम सब रेडी है आज के द डे के लिए, है ना? आज है हमारे घर में हवन पूजन और बहुत सारे फ्रेंड्स आएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, अनुव्या कितनी प्यारी लग रही है। अनुव्या आपका फुल लुक दिखाते हैं। सो दिस इज व्हाट अनुव्या इज वेयरिंग। और ये रही कनुषी हमारी क्यूटी प्यारे से लहंगे में। और ये है मेरा लुक आज का। और यहाँ पर सारा हमने कुछ रेडी कर दिया। यहाँ पे ड्रिंक्स हैं, प्लेट्स हैं और चाय के कप हैं। चाय अभी बन रही है और यहाँ पे लगेगा खाना। इधर हमारे पापा रेडी हैं। अनुव्या लाइट ऑन कर दो सारी, ये वाली भी बड़ी कर दो, सारी लाइट्स ऑन कर दो। हाँ ऐसे कनुषी वो ऑन करो बिट्टू। हाँ गुड, करो ऑन। यस, तो सारी लाइट्स ऑन कर दी है हमने। तो हमने ना कुछ इस तरीके से बैठने का अरेंजमेंट किया है, ये देखिए ऐसे, ठीक है? तो यहाँ पे हो जाएगा हवन, यहाँ पे सब बैठेंगे और जो नीचे नहीं बैठना चाहते वो यहाँ भी बैठ सकते हैं। सो वहाँ पे ड्रिंक्स हैं और यहाँ पे मैंने पूजा और भोग की थाली रेडी कर दी है। ये आसन रखे हुए हैं उधर थैली में, ना सारा हवन की सामग्री रखी हुई है। राइस कुकर निकाल लिया है क्योंकि राइस लास्ट में बनेंगे। इधर जो है हमारी यमी सी खीर रेडी है और चाय का पानी हो चुका है, इसमें डलेगा दूध। और ये सारे बर्तन और यहाँ पे आ गया है खाना, जो मैं आपको बताऊंगी मैंने क्या क्या बनाया है। ये सब खाना ही खाना है यहाँ तो हम सब है बहुत खुश आज और सारी तैयारी हमने ऑलमोस्ट कर ली है। और देखते हैं आज का ये दिन कैसा बीतता है, आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज का ये व्लॉग एंड तक जरूर देखिएगा। आज की पूजा राघवन जी और प्रसाद जी करेंगे। उमा जी राघवन जी की वाइफ हैं, वो भी उनके साथ आ गई थी और यहाँ पे रंगोली बना रही हैं। उन्होंने सुबह सुबह मेरी बहुत हेल्प की। रंगोली है ये गणपति जी, सारा सामान इसमें पूरा उनको दे दीजिए। आप आराम से बैठिए राघवन जी, हम देंगे आपको सारा, उसमें पूरा लिस्ट के अनुसार है। अगर आप भी अपने घर में हवन कराना चाहते हैं मंदिर से, तो आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वहां से आपको ना एक लिस्ट मिल जाएगी हवन सामग्री की, वो आपको अरेंज करनी होगी। हमने सारा सामान इस थैले में रख दिया था अच्छे से अरेंज करके। और ये इतनी प्यारी सी रंगोली उमा जी ने बना दी है जिसके ऊपर हम हवन कुंड रखेंगे। आप भी बहुत सुंदर लग रहे हो एज यूजुअल। तो यहाँ पर राघवन जी ने पूजा की तैयारी शुरू कर दी है और धीरे धीरे करके मेरे सारे फ्रेंड्स आ जाएंगे। सुबह 8 बजे से ही हमने शुरू कर दिया था और लगभग 9:45 के अनुसार हमारी पूजा भी स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ पर ना कनुषी राघवन जी से बातें कर रही है, वो इतनी इंटरेस्टेड थी सारी चीज़ें जानने में और राघवन जी को भी बहुत अच्छा लग रहा था कनुषी से गप्पे मारने में हमारी कई दिनों की इच्छा आज पूरी हुई अपने घर में हवन करवाने की। आज एकादशी का दिन है और गणेश चतुर्थी के दिन तो चल ही रहे हैं। आ गई है यहाँ पर दीपिका भी मेरी हेल्प कराने के लिए। अब दीपिका का घर ना मेरे घर से काफ़ी दूर हो गया है। मैंने दीपिका के घर के गृह प्रवेश का भी व्लॉग डाला हुआ है, अगर आपने नहीं देखा मेरे चैनल पे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें लिंक है, ज़रूर देखिएगा। बहुत प्यारा अपार्टमेंट है। तो अब हम सब मिल के यहाँ पर तैयारियाँ कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो दीपक है वो लगा रहे हैं, लता जी भी आ गई हैं। सो एवरीबडी इज़ बिज़ी, सब लोग कुछ ना कुछ तैयारी में लगे हुए हैं बाकी लोगों के आने के पहले। और प्रसाद जी का हम वेट कर रहे थे ताकि हम हवन शुरू कर सकें, उनके आने के पहले अपनी पूरी तैयारियां कंप्लीट कर रहे हैं और फिर हवन स्टार्ट होगा। यहाँ पर अब मैं फूलों की माला बना रही हूँ। दीपिका फूल तोड़ के एक प्लेट में रख रही है और पत्तियाँ भी जो कि हम माला में यूज़ करेंगे। वैसे हम एवरीडे कोशिश करते थे कि बप्पा के लिए माला बनाएं अच्छी प्यारी सी, लेकिन आज तो बिल्कुल बनता ही है उनके लिए एक
सुंदर सी माला बनाना। और यहाँ पे देखिए लता जी ना मेरे जो मैंने कप्स ऑर्डर किए हैं उन्हें एडमायर कर रही हैं कि ये तो बड़े अच्छे क्वालिटी के लग रहे हैं। चाय के कप्स मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे और यहाँ पर हो गई है तैयारी पूरी। प्रसाद जी भी आ गए हैं हवन की और हमें ना बहुत अच्छे से दोनों ने, राघवन जी ने प्रसाद जी ने एक्सप्लेन किया हवन के दौरान कि क्या तैयारी चल रही है, वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, जो जो सामान उन्होंने हमसे मंगवाया था उन सबका क्या यूज़ है। तो हमें ना बहुत इन्वॉल्व फील हुआ। फिर भगवान को प्रणाम करके हम हवन में बैठे। मैं नीचे नहीं बैठ पाती हूँ सर्जरी के बाद से, तो मैं चेयर पर ही बैठी। उसके बाद राघवन जी ने कहा कि तुम दिया जलाओ, क्योंकि हिंदू संस्कृति के हिसाब से हवन पूजन की शुरुआत जो है वो लेडीज़ ही करती हैं दिया जला कर। गणेश जी को टीका जैसा पुष्पाणि समर्पयामि विघ्नेश्वराय नमः अक्षतान् समर्पयामि। यहाँ पर हम गणेश भगवान की पूजा कर रहे हैं जो कि उन्होंने बनाए थे वहाँ पर, और उन्होंने हमें कहा कि उनका हमें तिलक करना है, पुष्पांजलि देनी है, पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है। और वैसे भी हर शुभ कार्य में हम सबसे पहले गणेश भगवान का ध्यान करते हैं, यहाँ भी हम वैसा ही कर रहे हैं। अभी हम लोग भावमान सूक्तम पढ़ेंगे एक सूक्तम पेज से, तो विद दैट इट बिकम्स इवन मोर सैंक्टिफाइड। या साघं राजा वर्णो यादि मध्ये सत्यां कृते अपवश्चञ्जनानां मधुश्चितश्चुचयो याः पावकास्तानः पश्यग्रस्यो नाभवन्तो। कृष्णा को भी अब हम मेंटली आह्वान करके उनको अभी अर्चना करते हैं। ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम कमलानाथाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम सनातनाय नमः, ओम वसुदेवात्मजाय नमः, ओम पुण्याय नमः, ओम लीला मानुष विग्रहाय नमः, ओम श्री वस्त्र कौस्तुभधराय नमः, ओम यशोदा वत्सलाय नमः। यहाँ पर हम कृष्ण भगवान का आह्वान कर रहे हैं, कलश पर इस तरीके से पुष्प चढ़ा रहे हैं और कृष्ण स्त्रोतम जो है वो राघवन जी और प्रसाद जी बोल रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे से पहले हमें समझाया कि क्या करने वाले हैं हम, और हर प्रक्रिया के पहले वो हमें समझा रहे थे कि अब क्या होने वाला है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि हमें बहुत इन्वॉल्व फील हुआ और थोड़ी बहुत नॉलेज हमने भी ली उनसे, और हमें पता था कि आज के हवन में हमने क्या क्या किया। अष्टोत्तरम बोलने से ना अति 108 टाइम्स यू आर सेइंग ओम, 108 टाइम्स यू आर सेइंग प्लीज नमः। नमः मींस इट इज नॉट माइन, इट इज ऑल योर्स। अभी दीपम भी ओम मैंने यहाँ पे राघवन जी से पूछा कि हमने प्लेस क्यों शिफ्ट किया थोड़ा सा जो गणपति हैं उनका। उन्होंने कहा कि हमने उनका आह्वान किया था, अब हमें उन्हें वापस भी भेजना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत बिजी होते हैं, उनके पास बहुत सारा काम है और हम उन्हें इस तरीके से बांध के नहीं रख सकते। कितना फैसिनेटिंग है ना ये सब सुनना। और अब हम लोग करेंगे यहाँ पर हवन। अभी नेक्स्ट फाइनल पार्ट है, अभी हवन करेंगे। हवन में ना पहले दो पार्ट है, फर्स्ट आपको इसमें जला के देना पड़ेगा, मैं ले लेता हूँ और आप इसमें रख दीजिए। उसके बाद मैं थोड़ा 5 मिनट का प्रिपरेटरी काम है, प्रिपरेटरी करके बुलाएंगे, देन वी डू दी आहुति। ये हवन का स्टार्ट करने का अधिकार घर में लेडीज का आपका नहीं है। मैं किसने परमिशन
यहाँ पर इन्होंने हमें बताया कि हवन को स्टार्ट करने का जो अधिकार होता है वो घर की लेडी का होता है। देखिए यहाँ पर उन्होंने मुझसे ऐसे दिया जलवाया और उन्होंने ये भी समझाया कुणाल को कि जब भी हम इस तरीके का कोई भी कार्य करते हैं तो आपको अपनी पत्नी का जो है परमिशन लेना चाहिए। और मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा। एंड सारे लोग जो भी आज ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, तो अपनी पत्नी से ज़रूर पहले पूछिए इस तरीके का कोई भी कार्य अपने घर में करने के पहले। और फिर उसके बाद इन्होंने हमें 5 मिनट्स का ब्रेक दिया जिसमें कुछ उन्हें प्रिपरेशंस करनी थी, तो फिर मैं आ गई अपने फ्रेंड्स से बातें करने, पूछने के लिए कि सब चाय वाय पी रहे हैं या नहीं। अब यहाँ पर हवन की शुरुआत हो गई है और ये जो हवन है मोस्टली जो घर के मेल होते हैं वो ही करते हैं, और आप चाहें तो साथ में बैठ सकते हैं, तो इसीलिए थोड़ी देर बाद मैं भी आ गई। बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। जितने भी मेरे फ्रेंड्स जो है जो सुबह सुबह ही आ गए थे स्पेशली हवन अटेंड करने के लिए, सब ने कहा कि बहुत अच्छा लगा हवन अटेंड करके। जब स्वाहा लेंगे उसमें घी लेके स्वाहा दीवाना। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम स्वाहा, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम क्लम स्वाहा, ओम ह्रीम ह्रीम क्लीम गम गंधर्वदे वरवरदसर्जनमे स्वाहा, ओम ह्रीम ह्रीम क्लीम गम गंधर्वदे वरवरदसर्जनमे स्वाहा। अब यहाँ पर अथर्व शीर्षम की चैंटिंग होगी, बाकी जो लोग बैठे हैं हवन में वो भी साथ में कर सकते हैं। एंड मैं सच बता रही हूँ, बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस होता है। आप अगर यहाँ एरलांगन में या आसपास कहीं भी रहते हैं फोर्थ फोर शाइम, आपको डेफिनेटली ये करवाना चाहिए अपने घर में। आपको एक अलग ही एनर्जी महसूस होगी जो हमने उस दिन की। ओम भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवाः, भद्रं पश्ये वाक्षधर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागन्धस्तनुभिः, विषेम देवहितैर्युधायुः, स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवः। स्वस्ति नस्ताक्षो वरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पते ददातु। ओम शांति शांति शांतिः। आप खड़े हो जाओ, आप भी उनको भी एक बार उसको पकड़े। ओम पूर्णाहुति उत्तमं जुहोति, सर्वं वै पूर्णाहुति सर्वमेवाप्नोति, अदयं वै पूर्णाहुति अस्यामेव प्रतिष्ठति, पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। यहाँ पर हमें पंडित जी ने बोला कि हमें हवन की 3 बार परिक्रमा लेनी है, और इसी तरीके से सब लोगों ने हमें ज्वाइन किया, सब लोगों ने ली परिक्रमा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि हमने कौन सी पूजा और हवन करवाया था तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मंदिर को आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं, डिटेल्स मंदिर की अगर आपको चाहिए तो मुझे बहुत खुशी होगी आपके साथ ये डिटेल शेयर करने में। बट अदरवाइज़ आप शिवा विष्णु टेम्पल को ऐसे भी सर्च कर सकते हैं फुर्थ में, और अपने घर में इस तरीके का कोई भी कार्य करवा सकते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम भर्गो देव सत्यम। ओम रमय बहुम बरय बहुम यने बहुम गरय बहुम दमय बहुम दमय बहुम रमय बहुम रमय सर्वदेव प्रीत्यर्थ्याः महानिवेदनं समर्पयामि। ओम राजादि राजाय प्रसज्ञ दाहिने नमो वयं वै सदाय गुरुमहे। ओम त्रिलोक
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धं पुष्टिवर्धनं पुनर्वार्गमभवन्तनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे वाहि ओम शांति 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 जय गणेश माता जी पार्वती पिता महादेव पर तिलक सोने भूसे की सवारी का भोग लगे संत करे सेवा माता जी पार्वती पिता महादेव आजन को पुत्र देव निर्धन को माया श्याम शरण आए सकल की गणेश देवा माता जी पार्वती पिता महादेव नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया क्या चाहते ले दे बशा आरती सब कुछ बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। फिर आ गए यहाँ पे सब खाना खाने के लिए। पहले पंडित जी खाना खाएंगे, उसके बाद हम सब भी खाएंगे। और आज का जो पूरा खाना है ना, वो सात्विक भोजन है, जिसमें कोई लहसुन प्याज का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है। मैंने 5 सब्जियाँ बनाई थी, जिसमें था राजमा, आलू टमाटर की सब्ज़ी, मखाना करी, भरवा मिर्च जो मैंने आलू के साथ बनाई थी, और इसके अलावा पनीर टिक्का मसाला। स्नैक्स में मैंने जुकीनी का पकौड़ा, मूँग दाल पकौड़ा और साबूदाना
खिचड़ी बनाई थी, प्रसाद में खीर बनी थी। तो ये सारा खाना था आज का और सबको बहुत पसंद आया। चलिए सीधे दोस्तों से पूछते हैं उन्हें कैसा लग रहा है। दोस्तों कैसा लग रहा है खाना? बहुत, आप देखो व्लॉग में तो तारीफ करनी पड़ेगी। बहुत यम्मी। चलो व्लॉग के लिए नहीं, हम सच बोल रहे हैं। अरे वाह, चलो तो ये यहाँ पे सब दोस्तों की रौनक लगी हुई है, सब लोग अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं। मैं सबको बोल रही हूँ व्लॉग में तो तारीफ कर ही दो। खाना बहुत अच्छा बना। थैंक यू। ये अब दे देते हैं सबको रिटर्न गिफ्ट्स। इसके पहले वाले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैंने इसमें क्या रखा है। नहीं देखा है तो वो व्लॉग जाके देखिए। अनु हेलो, जोड़ी बनाए रखे भगवान आप दोनों की। कुणाल कौन सी तरफ कर देती है? तो ऐसी प्यार भरी नोक झोंक और मस्ती तो बनती है ना। और देखिए यहाँ पे ना, ये मेरी प्यारी प्यारी, अब तो मैं इन्हें देवरानियाँ ही कहूँगी, ये सब मेरे पैर छूते हैं और मुझे सडनली इतना बड़ा फील होने लगा है। लेकिन हाँ, जब आपको प्यार और सम्मान मिले तो वो अच्छा ही लगता है। तो मैं दिल से इन सबको बहुत सारा आशीर्वाद और प्यार देती हूँ। दीपिका दीपिका राजस्थान स्टाइल में छुआ, मन राजस्थान में घुटने तक दबाते हैं। यहाँ पर मैं दीपिका को छेड़ रही थी कि राजस्थान में घुटनों तक पैर दबाने की प्रथा है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, दीपिका और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं तो हम में ऐसी मस्ती चलती रहती है। और ये सब अब दोस्त से ज़्यादा मेरे फैमिली मेंबर जैसे हैं, तो हम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में ऐसे ही साथ बने रहते हैं। भगवान को मैं बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ कि मेरी लाइफ में इतने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स हैं। ये सब आए और आज का ये जो इवेंट था वो और स्पेशल बन गया और मेमोरेबल बन गया। बप्पा के लिए हम सब ने मिलके साथ में आरती की, भोग प्रसाद खाया, बहुत एंजॉय किया। मैं यही होप करती हूँ कि आपने भी इस व्लॉग को एंजॉय किया होगा। अगर किया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आपके कोई भी क्वेश्चन है आज के हवन पूजन से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। शिवा विष्णु टेम्पल को बहुत सारा थैंक यू कि उन्होंने इतनी अच्छी पूजा करवाई। तो बस इसी तरीके से बप्पा आप सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। अब मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि होगा बप्पा के विसर्जन का व्लॉग। जाते जाते आप भी मेरे दोस्तों के साथ बोलिए गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया।